हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉगर पे अकाउंट क्रिएट किए यानी कि मोबाइल से ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉग पोस्ट को इमेज एसईओ कर सकते हैं, यानी कि अपने ब्लॉगर पर इमेज के कैसे एसईओ किया जाता है अपने मोबाइल फ़ोन से, इसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले बता देते हैं कि इमेज एसईओ करने से क्या होगा। जैसे आप किसी वर्ड पर सर्च कर रहे हैं, यानी किसी से आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई हेडिंग उस नाम से कोई सर्च कर रहा है, सिंपल सा बात है कि अगर इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि आपका ब्लॉग का इमेज भी यहाँ पर शो हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक holidoo.com, यहाँ पर india.com, इस कदर से नाम से यहाँ पर देख सकते हैं, इस कदर से साइट का भी नाम आ रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे तो सीधा इनके साइट पर जा सकते हैं। इस कदर से भी आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ सकता है। दोस्तों इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉगर को मोबाइल फ़ोन से इमेज एसईओ कर सकते हैं आसानी से। इसके बारे में तो क्या करना है, कोई भी अगर पोस्ट लिखते हुए तो उसे क्लिक करने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि इमेज कैसे लगाया जाता है तो इस कदर से आपको यहाँ पर करने के बाद जहाँ आपको इमेज लगाना है वहाँ पर एरर के इस कदर से आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बैक आएंगे, ये वाला ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पर आपको टाइप करेंगे तो कुछ इस कलर से आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज का ऑप्शन खुल जाएगा। इमेज वाले ऑप्शन पर आपको टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फोटो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फोटो ब्लॉगर बाई URL, आपको क्या करना है यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज ए फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई भी इमेज को क्या करना है, अपने मोबाइल से यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं आसानी से। बता रहे थे क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फोटो एक ऐड करके रखे थे। क्या करेंगे, आप फोटो आ जाएगा तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी फोटो का फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में कुछ इसका से नहीं, मैंने इसका से रोटेट करके रखा है, आपके मोबाइल में पूरा खुलेगा दिखाई देगा। मैं केवल इसका से रोटेट करके रखा, आपके मोबाइल में कुछ इसका से ओपन आपके मोबाइल में दिखाई देगा। आपको दिखाने के लिए इसका से रोटेट करके रखा है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो मेन हेडिंग होगा, जिस जो आपका मेन टाइटल, क्या करना है उस टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे वाला पेस्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको किस कैटेगरी में आपको इमेज को अपलोड करना चाहिए, आपको सिंपल से यहाँ पर लार्ज वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर टाइप कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेसिंग रहा है, आपको इमेज एसईओ बस इतना ही होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ से केवल हेडिंग उठा करके, जिसका मतलब आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करके मैंने यहाँ पर रखा है, लोग क्या करते हैं पूरा टाइटल ही उठा कर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, ऐसे करेंगे तो आपके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर टाइप कर देंगे, मेरा अपडेट है आपका सेव वाला ऑप्शन है, इसका से क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका इमेज एसईओ करने का सही तरीका। इसी कल से मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।